तो सर्दियां जैसे कि जा रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना सर्दियों की विदाई जो है वो मीठे के साथ की जाए और बनाया जाए सर्दियों में सबसे ज़्यादा बनने वाला गाजर का हलवा। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी, आप देख रहे हैं ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। तो जैसा कि सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत ही बनाया जाता है घरों में, तो मैंने उसका एक इंस्टेंट वर्जन लाया है जिसमें आपको ना तो इसे घिसना पड़ेगा और ना ही इसे घंटों पकाना पड़ेगा। आप आधे घंटे में आप क्विक ऐसे तैयार कर सकते हैं गाजर का हलवा। तो मैंने 2 किलो ये गाजर ले लिए हैं और इनको छीन छील लिया है और नीचे ऊपर से इसके टिप और जड़ की साइड से मैंने कट कर लिया, और इस तरह से रफली मोटा मोटा कट करके इसके टुकड़े कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। तो हमारी घंटों की मेहनत मिनटों में बदल जाएगी इस ट्रिक से। तो इसको मैंने कुकर में डाल दिया सारे टुकड़ों को, और बहुत थोड़ा सा, आधे कटोरी से भी कम मैंने पानी डाला है। तो 2 किलो गाजर है उसके लिए मैंने इस तरह से, तो ये 2 सीटी मैंने इसमें कुकर में लगाया है, और ये देखिए इस तरह से ये गाजर जो है वो गल गए हैं। अभी इस तरह से जो पाव भाजी मैशर होता है उससे मैंने इसे इस तरह से मैश कर लिया है, कुछ इस तरह से। बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि और अगर मैशर नहीं है आपके पास तो इसे कड़छी लेके, दाल वाली जो कड़छी होती है उससे इस तरह से आप आराम से मैश करके इसको बिल्कुल इस तरह से हलवे की तरह से कर सकते हैं। छोटे छोटे से अगर टुकड़े रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। और उसी में मैंने बड़े वाले चम्मच से 3-4 चम्मच घी डाला है। तो आप अगर घी नहीं खाना चाहते हैं तो बस 1 चम्मच डालें, बस एक खुशबू के लिए। और मैंने कटोरी से ही 1 कटोरी शक्कर डाली है। तो देखिए, अगर आपका गाजर मीठा हो तो शक्कर को थोड़ा सा कम कर दें, अदरवाइज आप शक्कर की मात्रा अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। और इसे मैंने खोया डाल दिया 1 कटोरी इसमें, तो उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आपने देखा मैंने दूध भी नहीं डाला इसमें, बिना एक भी बूंद दूध के ये तैयार हुआ है। तो अभी एक पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच घी लिया है, और आप घी थोड़ा कम भी कर सकते हैं, उसमें जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हो या डालना चाहते हैं हलवे में उसे रोस्ट कर लें। इससे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो है उसके जो फ्लेवर हैं वो एनहेंस हो जाते हैं और थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है। तो उसको इस तरह से रोस्ट कर लें। ये देखिए इस तरह से चलाते हुए इसको भून लें, पानी जो है उसका सुखा लें, और ये सारे नट्स जो आपने रोस्ट करके रखे हैं घी में उसको घी के साथ इसमें डाल दें। और ये मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट था वो, और छोटी इलायची का पाउडर था उसे डाल के मिक्स कर लिया। तो ये टोटली स्केपेबल है, आप इसे चाहें तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं कोकोनट पाउडर को और इलायची के पाउडर को अगर ना पसंद करते हो, लेकिन इसमें खुशबू इसकी बहुत अच्छी आती है इलायची पाउडर की। ये देखिए पूरा सूख गया है ये हलवा मेरा, इसमें पानी नहीं है। अगर ये सूखा रहेगा तो आपका हलवा ये बहुत दिन तक टिक जाएगा, हफ्ते से लेके 10 दिन तक। और पानी रहेगा तो वो 3 से 4 दिन तक आप फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं। तो तैयार है हमारा ये गाजर का हलवा, क्विक और इंस्टेंट वर्जन। तो फिर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। तो फिर देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। मैंने गाजर की एक और रेसिपी इस पे डाली है, आप उसे भी देखिएगा। गाजर के पुए भी डाले हैं और हलवा बर्फी भी डाली है मैंने, आप ज़रूर चेक करिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे, बाय।